May I now request questions from the audience? I'll request Khalid Ansari and Navdeep to hand over the questions to me. Stress originates from the tiniest negative events of our daily lives. How can we handle these negativities? देखिए, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं ज़िंदगी के, पहली बात तो यह है कि वो इविल नहीं है, उसको इविल समझते हैं लोग. नेगेटिव एक्सपीरियंस हो या कोई प्रॉब्लम हो, वो इविल नहीं है. वो आपके माइंड को एक्टिवेट करने के लिए है. यही है नेचर का प्रोसेस, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में ब्रेन स्टार्मिंग. ब्रेन स्टार्मिंग के बगैर डेवलपमेंट नहीं होता. जितने भी दुनिया में डेवलपमेंट हुए हैं, जितने भी प्रोग्रेस हुई है, वो सब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ब्रेन स्टार्मिंग. ब्रेन स्टार्मिंग कहाँ से होता है? किसी न किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से, किसी न किसी यानी कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारी अनवांटेड थी. तो जब भी ऐसी कोई चीज़ हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पहली बात यह है कि उसको आप उसको वो न लें, उसको ऑब्स्टिकल समझें, प्रॉब्लम समझें, ये सब ना करें. ये बहुत अच्छा एक 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 सेइंग है कि एवरी स्टोन इज स्टेपिंग स्टोन, एवरी स्टोन इज स्टेपिंग स्टोन. तो उसको आप इस्तेमाल करें बतौर स्टेपिंग स्टोन के, तो आप देखें कि आपको तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया. इंटेलेक्चुअल इन टर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, और इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दक्षिणा शर्मा. हाउ डू वी इनलाइटन आवर सेल्फ टू नो द क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड? बिकॉज वी डोंट नो इट एंड वी फ्लाउंडर मोस्ट ऑफ द टाइम. प्लीज एक्सप्लेन. देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बहुत इम्पोर्टेंट है. तो देखिए, आदमी सबसे पहले अपनी जो हमने जो नॉलेज डेवलप की है, फिलॉसफी है या साइंस है, उससे हम कोशिश करते हैं जानने की. लेकिन मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 5,000 साल की जो स्ट्रगल है, वो बताती है कि हमारी अपनी यानी जितने भी डिसिप्लिन है हमारे, चाहे फिलासफी हो या साइंस हो, वो हमको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती. साइंस ने तो आप जानते हैं कि साफ साफ जो जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिसिप्लिन हमने डेवलप किया है, वो साइंस है. तो फिलासफी ने तो सारा कन्फ्यूजन का कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि अब वो पीछे चली गई. अब जो फोर फ्रंट पर है वो साइंस है. लेकिन साइंस ने खुद ही कह दिया कि साइंस गिव्स अस बट ए पार्शियल नॉलेज ऑफ रियलिटी. अब मैं समझता हूँ कि दूसरा जो है फील्ड में, वो है प्रॉफिट. प्रॉफिट ये कहते हैं कि हमको खुदा की तरफ से रिविलेशन आया है. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ही सीरियसली उनके इस क्लेम को जांचना चाहिए, क्योंकि अब फिलासफी में जवाब नहीं मिला, साइंस में हमें जवाब नहीं मिला, तो अब जहां हमें देखना चाहिए जवाब, वो है प्रॉफिट में. मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं सबसे गुजरा हूं. मैंने फिलासफी पढ़ी, मैंने साइंस पढ़ी, और पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला. यानी आप यकीन कीजिए कि मैंने ये जो है पामिस्ट्री से लेकर एस्ट्रॉनमी तक सब पढ़ डाला. लेकिन आखिर में जहाँ मुझे जवाब मिला इस बात का, क्योंकि मैं एक सीकर था, वो था रिवेलेशन में, यानी प्रॉफिट में. तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप भी इसी, अगर आप सीकर हैं तो आप भी इसी को फॉलो कीजिए, हो सकता है कि आपको जवाब मिल जाए. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर आमिर. मौलाना, यू सेड नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम इज अ सोल्यूशन.
क्वाइट रीजनेबली ऑल प्रॉब्लम्स कांट बी लेफ्ट लाइक दैट. कैन यू प्लीज सजेस्ट अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स दैट नीड नॉट बी स्ट्रेस्ड ओवर टू मच. देखिए, एक बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया था गालिब ने, वो शेर की जुबान में था, लेकिन आज मैं उसको साइंस की जुबान में समझ पाता हूँ. गालिब ने कहा था कि रात दिन गर्दिश में हैं सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या. ये थी शेर की जुबान. लेकिन आज जो साइंस की जुबान में भी इसी बात को हम कह सकते हैं कि जो नेचर है वो नेचर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है. मैंने इस पर चार बुक्स लिखी हैं, राज हयात, तामीर हयात, रहनुमा हयात, किताब ज़िंदगी. हिंदी में किताब है मेरी कामयाबी के पांच अध्याय, और इंग्लिश में है मॉरल विजन. इसमें मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है, इसी फार्मूले को कहना चाहिए कि वेट एंड सी भी एक सोल्यूशन है. वेट एंड सी भी एक सोल्यूशन है. और एक हदीस है प्रॉफिट की कि अफजल इबादत इंतजार फरज है, यानी इंतज़ार करना भी एक बहुत बड़ी इबादत है. क्यों? जब इंतज़ार करते हैं आप तो क्या कि लॉ ऑफ नेचर के अगले उसका वेट कर रहे हैं, जो अगला जो जो आपके सामने लाने वाली है लॉ ऑफ नेचर. तो अगर आपको दिलचस्पी हो तो आप मेरी किताबें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में है, वो उसको आप पढ़ सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर जी एस नेगी. रेवरेंड मौलाना जी, इज देयर वन थिंग और वन पर्सपेक्टिव बाय विच वी आर एबल टू ओवरकम ऑल और ट्रांसेंड ऑल स्ट्रेसेस? इज देयर वन थिंग और वन पर्सपेक्टिव बाय विच वी आर एबल टू ओवरकम और ट्रांसेंड ऑल स्ट्रेसेस? देखिए, मैंने तो फार्मूला बता दिया आपको. अगर आपको ये अच्छा लगे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. सिंपल लिविंग से क्या होता है, हम अननेसेसरी टेंशन से बच जाते हैं, जैसा कि मैंने अपनी मिसाल से बताया. हाई थिंकिंग क्या होता है कि देखिए, सारे प्रॉब्लम मैटर के लेवल पर आते हैं, वर्ल्डली जो लाइफ हमारी उस पर आते हैं. उससे ऊपर उठ जाइए तो सब प्रॉब्लम ख़त्म. एक बार था मैं हवाई जहाज में उड़ रहा था तो नीचे देखा तो न कोई सिटी है, न कोई गांव है, न कुछ है, न कुछ है, एकदम वैक्यूम सा लगता था ऊपर. तो मुझे एक अमेरिका की वो याद आई, अमेरिकन प्रोवर्ब एक है कि वो है क्या है वो, बिग बर्ड ऑफ द स्टार. यानी जब ख़ासतौर पर जो ठंडे मुल्क होते हैं वहाँ पर जो स्टॉर्म आता है तो जो छोटे विंग वाली चिड़िया होती है उसे मर जाती है, और बड़े विंग वाली चिड़िया जो है वो नहीं मरती, वो बच जाती है. क्यों? स्टॉर्म का एक एक हद होती है, एक लिमिट होती है, वो आसमान तक नहीं होता है. तो छोटे विंग वाली चिड़िया वो उस लिमिट को पार नहीं कर पाती, उसे फंस कर मर जाती. और जो अच्छे विंग जो होते हैं, स्ट्रांग विंग वाले, उड़कर आगे निकल जाती है तो बच जाती हैं वो. तो देखिए, ये वर्ल्डली लाइफ जो हमारी है, जो मटेरियल चीज़ें जो हमारी हैं, उसी के लेवल पर सब हम फंसे रहते हैं हम लोग. उससे ऊपर उठ जाइए, उससे ऊपर उठ जाइए तो फिर ये सब स्ट्रेस ख़त्म, अपने आप ख़त्म, अपने आप ख़त्म हो जाता है. तो मैं तो समझता हूँ कि यही बेस्ट फार्मूला है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. The name is not clear, but I will read the question. If you have a negative emotion like anger arising in you, how does Islam suggest to handle it? Kindly explain. एक हदीस है, प्रॉफिट ने कहा, गुस्सा आए तो चुप हो जाओ. एक हदीस है, प्रॉफिट ने कहा कि गुस्सा आए तो चुप हो जाओ. इस पर मैंने गौर किया तो मुझे साइकोलॉजी का एक बुक पढ़ी मैंने, तो साइकोलॉजी के उस बुक में बताया गया था कि जब गुस्सा आता है आदमी को, इज अ मैटर ऑफ 30 सेकंड. उसमें बताया गया था कि
30 सेकंड तक गुस्सा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फिर से एक्टिवेट ना करें तो फिर क्या होगा, फिर इधर आने लगेगा, यानी उल्टा वी की शक्ल होती है, इधर जाएगा फिर इधर आना शुरू होगा। 30 सेकंड, इट्स अ मैटर ऑफ 30 सेकंड। अगर आप गुस्से के वक्त चुप हो जाएं, और मैं तो यही करता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं गुस्सा आए तो मैं चुप हो गया, बस चुप हो गया तो अपने आप ही विद इन मिनट ख़त्म हो जाता है वो। यानी बाई नेचर, नेचर जो है वो 30 सेकंड तक गुजर जाएगी, 30 सेकंड तक गुस्से गुजर ले जाएगी, फिर वो अपने आप ही नीचे जाने लगेगा। तो डी स्ट्रेसिंग खुद नेचर के उसमें मौजूद है। लेकिन होता क्या है, गुस्सा आने के बाद तो बोलते हैं आप भड़क के लगते हैं कुछ हाथ पांव चलाने, या उसी का चर्चा करते रहते हैं बार बार दूसरों से। मैं ये कहूँगा, मैं इसी पर अमल करता हूँ, चुप हो जाइए, उस पर अपने सोच को बदल दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए सोच को, और किसी से चर्चा मत कीजिए, तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसका कि मैं सैकड़ों हज़ारों बार, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा मेरे अंदर है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मेरे अंदर है, लेकिन मैं गुस्से को इसी तरह कंट्रोल करता हूँ कि मैं चुप हो जाता हूँ, और फिर वो बाई नेचर एक नेचुरल प्रोसेस के में आकर के वो ख़त्म हो जाता है। This question is from Navdeep Kapoor. Maulana, sometimes we lose a family member and an untimely death leaves you with stress and pain for the rest of your life. How can one overcome such pain and stress? But in Islam, there is a very beautiful formula. Islam, there is a very beautiful formula. You can read it in the Quran. वो फार्मूला ये है कि अगर आपका एक अपना एक आपकी वाइफ, बिलीवड वाइफ है, बिलीवड डॉटर कोई भी मर गई है, तो आप उसके बाद और ज़्यादा खुदा का काम कीजिए, डिवाइन मिशन में और ज़्यादा लग जाइए। तो कुरान में बताया गया है कि उसके बाद क्या होगा, कि उसका लेवल अगर कम है और आपका ज़्यादा है तो उसको अपग्रेड करके अपने उसमें आपके कैटेगरी में पहुंचा दिया जाएगा। इसको मैं समझा, इस फार्मूले को एक बता, मैं रोम के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था किसी जहाज़ के इंतज़ार में, तो डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ही दिल्ली में रहते हैं, वो भी इत्तेफाक से थे, तो मेरा टिकट उन्होंने लिया, और जो मैनेजर था वहाँ उसका, एयर इंडिया का मैनेजर वहाँ का रोम का, उसके पास गए, तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि वैसे हैं वैसे हैं, तो मेरा टिकट इकॉनमी क्लास का था, वो उसने मेरे टिकट को अपग्रेड करके फर्स्ट क्लास का बना दिया, उनका भी बना दिया फर्स्ट क्लास का, हम दोनों फर्स्ट क्लास में गए, तो अपग्रेड करके हमें वहाँ पहुँचा दिया गया। तो कुरान में बताया गया फार्मूला कि अगर तुम्हारा काम उससे अच्छा हुआ, ज़्यादा वर्सूस तुमने की, ज़्यादा नेकी की तुमने, तो उसको अपग्रेड करके तुम्हारे उसमें आ जाएगा वो, तो उसको अपग्रेड करवाइए, यानी आप पेशेंस से काम लें और खुदा के काम में और ज़्यादा जुड़ जाएं, डिवाइन मिशन और ज़्यादा करें, वर्चू वाले काम और ज़्यादा करें, तो क्या होगा, अपग्रेड होकर के वो आपके उसमें आ जाएगा, दोनों आराम से रहेंगे वहाँ पर। तो बजाय इसके कि हम गम करें, और ज़्यादा हम खुदा के मिशन में लग जाएं, क्योंकि चंद साल के बाद हमें भी मरना है, जो मर चुका वो मर चुका, चंद साल के बाद हम भी मरेंगे, तो इटर्नल लाइफ में हम दोनों ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारें, इससे अच्छा फार्मूला क्या हो सकता है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इरफान अमीन। मौलाना, डू यू थिंक दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ वन कैन ओवरकम स्ट्रेस 100%? इसकी ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रेस को ख़त्म करना ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। स्ट्रेस ही तो आपके अंदर इंटेलेक्चुअल आईक्यू नहीं लाती है। सबसे बड़ी भूल ये है कि हम स्ट्रेस को या टेंशन को इविल समझ लेते हैं, इविल प्रॉब्लम को इविल समझ लेते हैं। इस पर मैंने उसकी किताब जब पढ़ी तब मुझे बात समझ में आई, ये आर्नल्ड टॉइनबी की जो किताब है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, उसे बताया है कि वही उन्हीं लोगों ने दुनिया में बड़ी बड़ी
ترقیاں کی ہیں جن کو کہ پرابلم پیش آیا, چیلنج پیش آیا. نو چیلنج نو ڈیولپمنٹ. تو ٹیک اسٹریس ایز اے چیلنج. اسٹریس جو ہے یا ٹینشن جو ہے وہ انٹلیکچوئل چیلنج ہے. انٹلیکچوئل چیلنج اگر نہ ہو تو آپ کی ترقی رک جائے گی. تو اس کو آپ ایول کے روپ میں کیوں لیتے ہیں؟ میں تو برابر اسٹریس میں جیتا ہوں, ہر دن میں اسٹریس میں رہتا ہوں. ایک دن بھی ایسا نہیں میری زندگی میں شاید ہو جب کہ میں خوش ہو کر ہا ہا کر رہا ہوں. ہر دن مجھے ٹینشن رہتا ہے, ہر دن مجھے اسٹریس رہتا ہے, لیکن اسٹریس کو میں پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں. اسٹریس کو میں کبھی نگیٹو سینس میں نہیں لیتا. یہی فارمولا میں نے پایا ہے زندگی میں. دس کوشچن از فرام رازیہ. ورک ہارڈ پارٹی ہارڈر ہیز کم ٹو بی دا سلوگن آف دا پریزنٹ جنریشن. از دس اے ورکیبل فارمولا؟ کبھی نہیں. آپ رزلٹ کو دیکھیے. جو لوگ ورک ہارڈ اور پارٹی ہارڈ کا فارمولے پہ چلتے ہیں وہ کیا سچ مچ اسٹریس فری جیتے ہیں؟ وہ ٹینشن فری ہوتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں. ابھی ایک امریکہ سے ایک صاحب آئے ہیں, مسٹر لئی قابط انصاری. ابھی میری ملاقات ان سے ہوئی, اسی میں بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں یہ فارمولا چلایا گیا, یہی فارمولا کہ خوب کماؤ اور چھٹی کے دن خوب جا کر کے وہ کرو, اس تفریح کرو. لیکن ہوا کیا, رزلٹ کیا نکلا؟ الٹا رزلٹ نکلا. لوٹے تو پری اسٹریس لے کر. تو وہاں بتایا انہوں نے ایک نیا لفظ چلا ہے, ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس یعنی کما کر جاتے ہیں تو پھر ایک نیا اسٹریس لے کر لوٹتے ہیں. یہ کون سا فارمولا ہے؟ بغیر رزلٹ دیکھے یہ فارمولا چلا رہے ہیں لوگ. یہ ورکیبل فارمولا نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک کر بی میری, مجھے ان کو ان کی زندگیوں کو دیکھے جو فارمولا لیے ہوئے ہیں. کیا ان کی زندگی میں اسٹریس نہیں ہے؟ کیا خوشی ہے؟ وہ کوئی بھی خوشی میں نہیں جی رہا ہے, کوئی بھی ہیپینس میں نہیں جی رہا ہے. یہ فارمولا ورک نہیں کرتا ہے. یہ تو سمپلی کچھ شبد ہیں, بس ایک شبد ہے. آپ بول دیا, آپ رزلٹ کو دیکھیں. یو ہیو ٹو سی دی رزلٹ. جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک کے بی میری, وہ ان کے بارے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی گیا ایک سائیکیٹرسٹ کے یہاں, جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو لوگ, کہ میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہوں, مجھے کوئی فارمولا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ تم ان کا دیکھا کرو شو, کیا نام تھا اس کا, چارلی چیپلن کا فارمولا دیکھا کرو. تو کہا وہی تو میں ہوں, میں ہی تو چارلی چیپلن ہوں. لوگوں کو ہنساتا ہوں اور میرا دل روتا ہے. دیکھیے یہ سب فارمولے صرف شبد ہیں, کچھ شبد. یہ ورکیبل نہیں ہے فارمولے. ورکیبل فارمولا یہ ہے کہ آپ اسٹریس کو پازیٹیو سینس میں لے لیں, ٹینشن کو کنورٹ کریں پازیٹیوٹی میں, جیسا کہ میں روزانہ کرتا ہوں. یہ سب بالکل ہی ورکیبل فارمولے نہیں ہیں جو لوگ یہ سب باتیں بولتے ہیں, رائٹ ہیئر اور رائٹ ناؤ اور ورک ہارڈ اور پارٹی ہارڈ. یہ سب کیا ہی تو یہ شبد ہیں بس. جو لوگ یہ سب بولتے ہیں ان کی زندگی کو آپ دیکھے جا کے پاس سے, سب ٹینشن میں جیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. میں جو فارمولا بتا رہا ہوں اس کا ریزلٹ آپ میری زندگی میں اگر دیکھ لیجیے. روزانہ میں اسٹریس میں جیتا ہوں, لیکن خدا کے فضل سے مجھے کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ میرا اسٹریس پازیٹیو اسٹریس ہوتا ہے, میرا ٹینشن پازیٹیو ٹینشن ہوتا ہے. تو بیسک چیز ہے کہ آپ پازیٹیوٹی میں جینا چاہیں, جینے کی کوشش کریں, اور اس کو آپ ایریلیونٹ بنا دیں. اسٹریس کو, ٹینشن کو آپ سیریسلی لے نہیں, اس کو کنورٹ کی پازیٹیوٹی میں, تو آپ کے لیے وہ بن جائے گا ذریعہ انٹلیکچوئل اویکننگ کا, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. یہ فارمولا ہے جو میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. دس از اے ریمارک بائی شیلو شرما. شیلا شرما. یونیورسل ویلیوز آر سیم آل اوور دا ورلڈ اینڈ دے وار سیم ان دا پاسٹ, دے آر سیم ٹوڈے
and they will be the same in future. If we give importance to the universal values only, then there will be no differences and people will be able to live peacefully and happily. What is your comment? बहुत अच्छी बात कही आपने. मैं मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ. जैसे मैं एक छोटे सा एक किस्सा अर्ज करूँ कि एक थे स्वामी राम तीर्थ. स्वामी राम तीर्थ पंजाब के थे. वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे. वो गालिबन एमएससी किया था उन्होंने मैथमेटिक्स में. तो वो गए 19th सेंचुरी के आखिर में गए वो अमेरिका, शायद 18 कुछ में. तो जब उस वक्त एयरपोर्ट वो एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, शिप से जाते थे लोग. तो जब वहाँ पर उतरे वो ये पोर्ट पर, शिप से सफ़र करके जब पहुँचे वहाँ, तो वो क्या था, कुछ उनके हाथ में कुछ था ही नहीं. ऐसे ही रहते थे वो बिल्कुल, यानी दरवेश के अंदाज में. जब किसी अमेरिकन ने देखा उनको कि ये कौन नया आदमी आ गया है, इसके पास कोई ना ट्रंक है, ना कोई लगेज है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो उसे पूछा कि अमेरिका में कोई दोस्त है आपका, यानी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप, कोई फ्रेंड है आपका अमेरिका में? तो यस, देयर इज अ फ्रेंड एंड दैट फ्रेंड इज हियर. वो कह के उनको एम्प्रेस कर लिया. ये भी एक सिंपल फार्मूला है, ये भी यूनिवर्सल फार्मूला है. ये आप कहीं भी इसको आजमा लीजिए, इस यूनिवर्सल फार्मूले को, कि इंसान से लव कीजिए, इंसान को अपने जैसा समझिए. तो रशिया में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, सब लोग आपके हैं, सब लोग आपके हैं. सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि कांकर करने की ताकत जिसमें, वो है लव. किसी इंसान से आपको हेट ना हो. तो वो बेचारे, वो जो थे बेचारे, गलत कहा मैंने, यानी वो सचमुच ऐसे आदमी थे, उनको किसी से हेट नहीं थी. तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक फ्रेंड मेरा है, वो फ्रेंड ये है, और उनको एम्ब्रेस कर लिया. तो वो सचमुच फ्रेंड बन गया उनका, जब तक वो अमेरिका में थे, उन्हीं के घर पर रहे वो. तो आपने सही कहा कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल हैं. This question is from Dr. Farida Khanam. What role religion plays in de-stressing? Usually people follow certain forms devoid of their spirit. Can such a religion help in de-stressing? Now, देखिए, मैं एक practicing Muslim हूँ और मैं कुरान को खुदा की किताब मानता हूँ. तो अगर मेरी अपनी राय आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी दूसरे फार्मूले हैं वो पार्शियली वर्केबल हैं, और जो इस्लाम का फार्मूला है वो वही पूरा पूरा वर्केबल है. क्यों? इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी लाइफ जो है, हम खुदा ने पैदा किया है एक एटर्नल बीइंग के तौर पर, लेकिन उसने हमारी हमारी लाइफ को बांट दिया है दो, उसमें यानी प्री डेथ पीरियड, पोस्ट डेथ पीरियड. तो प्री डेथ पीरियड जो है वो जस्ट लाइक टिप, यानी वो आइसबर्ग के टिप के तौर पर छोटी सी है, बाकी सारा जो है उधर है. तो दुनिया में आप कुछ भी खोएं, बड़ी से बड़ी चीज़, लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि पोस्ट डेथ पीरियड में खुदा मुझे पैराडाइज देगा, तो सब कुछ भूल जाता है वो, तो कुछ याद नहीं रहता वो. तो मैं समझता हूँ सुपर फार्मूला है डी एस ड्रेसिंग का ये, कि आप पैराडाइज में बिलीव करते हों, खुदा के ब्लेसिंग को मानते हों, पोस्ट डेथ पीरियड को मानते हों आप, तो दुनिया की हर चीज़ आपको हल्की लगेगी. क्योंकि 10-20 साल यहाँ भुगतना है, उसके बाद इटर्नल लाइफ में आपको सुख मिलना है. तो मैं समझता हूँ कि ये सुपर फार्मूला है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मोमिन. Mulana, you mentioned about you having stress. If it is okay, I would like to know what kind of stress do you have? मैं तो सच पूछे कि मैं इंसानों के लिए ये सारे इंसान ये सच्चाई मिल जाए, खुदा गाइडेंस उन्हें मिल जाए, इसके लिए तड़पता हूँ बस. मेरा एक ही स्ट्रेस है
ये सारे इंसानों को डिवाइन ट्रूथ मिल जाए और मेरे कोई गम नहीं, मेरे मुझे कोई उस किसी चीज़ ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम मैं इसी के लिए तड़पता हूँ कि सारे इंसानों को सच्चाई मिल जाए, डिवाइन ट्रूथ मिल जाए। बस एक इंसान जब मरता है तो यकीन कीजिए कि उसके उसकी फैमिली से ज़्यादा मुझे गम होता है कि इंसान मर गया, काश मैं उसको सच्चाई पहुँचा सकता। बस यही मेरा गम है, यही मेरा स्ट्रेस है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रितिका। मौलाना प्लीज गिव वन लाइन डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ डी स्ट्रेसिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन हाई थिंकिंग विद वन मोर एग्जाम्पल। देखिए, हाई थिंकिंग का जो फार्मूला है वो डिफिकल्ट भी है और आसान भी है, क्योंकि वो सारा सारा बेस करता है इस पर कि आपके अंदर इंतज़ार की कैपेसिटी हो, वेट करने की कैपेसिटी हो। देखिए, बेदर भुट्टू का जब किस्सा हुआ तो मुझे अपना किस्सा याद आया। मैं अब से तकरीबन 65 इयर्स पहले उस एरिया में गया था जो आप पाकिस्तान कहा जाता है, यानी पंजाब, 1942 में। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस वक्त मैं एक नौजवान आदमी था, चाहता था मुझे कोई जॉब मिल जाए, जैसे हर नौजवान को होता है, कोई यहाँ जाता है कोई वहाँ जाता है। तो मैं जॉब की तलाश में पहुँच गया लाहौर। उस वक्त जो है हमारे यहाँ से शाहगंज स्टेशन था, वहाँ से सीधी ट्रेन जाती थी लाहौर, और उसका किराया होता था, यानी फेयर, सिर्फ 11 रुपये। 11 रुपये में मुझे टिकट जो मिला वो मुझे लाहौर उतार दिया ट्रेन। ऐसा अब लाहौर जब उतरा तो वहाँ तो कोई भी जानता नहीं था, और मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी, कोई स्किल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ वहाँ पर। तो 2 हफ्ते मैं रहा वहाँ पर इसी चक्कर में, काश मुझे कोई काम मिल जाए यहाँ पर। तो एक दिन एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं एक दिन मैं रोड के किनारे खड़ा था, एक सूट बूट में एक आदमी, एक नौजवान गुजरा रोड से, तो मैं जो एक दीवाना था जॉब की तलाश में, तो मैं दौड़ा कि कुछ बताए कि ये क्या काम करता है, तब मैं भी उसी काम में कोशिश करूं। तो मैं उसके पास गया, तो एक बिल्कुल एक आर्ट क्वेश्चन था ये कि आप क्या करते हैं, एक बिल्कुल आर्ट सा क्वेश्चन था कि आप क्या करते हैं। तो उसने कहा, यानी वो शायद 1 मिनट से भी कम रुका हो, उसने कहा कि मैं किसी बैंक में काम करता हूँ, मैं किसी बैंक में काम करता हूँ, ये कहा और जल्दी से आगे बढ़ गया वो। अब मैं बड़ा खड़ा रहा, तो मैं तो बैंक का काम जानता नहीं, मेरे पास तो डिग्री नहीं। तो उस वक्त जो है जब मैं गया था 1942 में, वहाँ से लौटा मैं एक तरह का फ्रस्ट्रेशन लेकर के कि यहाँ पर मुझे कोई जॉब नहीं मिला, यहाँ कोई काम नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी खुदा की कि मैं पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सका, वहाँ मैं कुछ काम नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो फ्रीडम चाहता, फ्रीडम, वहाँ फ्रीडम ही नहीं है, वहाँ तो गोली है। लोगों की राय जो है वही आप बोलिए तो आप रह सकते हैं, वरना गोली, किसी को भी गोली मार देते हैं वो। तो मेरा जैसा आदमी वहाँ अनफिट होता, वहाँ कभी रह नहीं सकता था वो। मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ आज़ादी, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। इसीलिए मुझे, आप देखिए, इस देश में गवर्नर बनाया गया, मैं गवर्नर नहीं लिया, मैंने राज्यसभा मेंबर बनाया गया, मैं राज्यसभा मेंबर नहीं ली मैंने, क्योंकि वहाँ फ्रीडम मेरी नहीं बाकी रहेगी। मैं हर दूसरी चीज़ को कम समझता हूँ फ्रीडम से। इंडिया के, मैं इसी इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, यकीन कीजिए मुझे इंडिया से प्यार है, क्योंकि इंडिया मुझे फ्रीडम देता है, फ्रीडम, जो चाहे बोलूँ, जो चाहे सोचूँ, कोई पकड़ने वाला नहीं मुझे। मैं अगर मेरा दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं आप, देखते कि इंडिया का प्यार मेरा दिल भरा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा प्यार शायद ही महात्मा गांधी को रहा इंडिया के बारे में, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिली हुई है उसको मैं जानता हूँ कितनी कितनी वैल्यूबल चीज़ है वो, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम और पीस।
मैं इस देश में रहता हूँ पीस के साथ, कोई मुझे मारने वाला नहीं। मैं इस देश में रहता हूँ पूरी फ्रीडम के साथ, जो चाहूँ सोचूँ, जो चाहूँ बोलूँ, जो चाहूँ लिखूँ। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फ्रीडम चाहिए, पीस चाहिए, वो मुझे मिली हुई है, इसीलिए मैं इस देश से प्यार करता हूँ। पता जानता है कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ इस देश से। तो मैंने सोचा कि 65 ईयर्स के बाद ये पता चला, ये खुदा की ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर कि मुझे पाकिस्तान में रहने नहीं दिया, वहाँ से मुझे भगा दिया यहाँ, मैं वापस चला आया। इतना वेट कर सकें आप, तो सब तो कोई नहीं स्टेशन, कोई टेंशन है। इसी को बताया गया जो हदीस सुनाई मैंने आपको कि अफ़ज़लुल इबादत इंतज़ारुल फ़र्ज, कि सबसे बड़ी इबादत यह है कि आप खुदा पर डाल दें मामले को और इंतज़ार करते रहें। तो मैं खुदा के फर्ज से अपने अंदर एक कैपेसिटी रखता हूँ, कैपेसिटी कि मैं खुदा पर डाल कर इंतज़ार करता रहूँ। यह आप पैदा कर लीजिए अपने अंदर, और फिर आपके लिए पीस ही पीस है। This question is from Khalid Ansari. Maulana, you have taken spiritual inspiration from prophetic ideology, but there are other Muslims who also claim to be following the same. What makes you have a peaceful life, whereas others are resorting to violence and killings? देखिए, इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है। देखिए, एक है ये कि आप किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए, किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए एक्सीडेंटली, यानी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से आप मुस्लिम बन गए, तो वो आपको इस्लाम कहाँ से मिला? आप क्या जाने इस्लाम की वैल्यू को? ये मुसलमान जो हैं, ये जो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के तौर पर मुस्लिम हो गए, वो जानते नहीं कि इस्लाम में क्या चीज़ है। इसीलिए मैं भी एक ज़माने में उसी लेवल पर था, फिर मैंने इस्लाम को फिर से पढ़ा। मैंने एक बुक है मेरी, उसका नाम है इस्लाम रीडिस्कवर्ड। तो इस्लाम मेरी रीडिस्कवरी है, उनकी डिस्कवरी नहीं है। उन्होंने न डिस्कवर किया न रीडिस्कवर किया, वो क्या जाने इस्लाम क्या चीज़ है? वो तो यदि जानते हैं किसी हजरत से दुआ करवा लो, कि हजरत का दामन थाम लो, कि दरगाह में चले जाओ और उसके बाद पैराडाइज है। ऐसे पैराडाइज नहीं मिलने वाले, ऐसे इस्लाम भी नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू रीडिस्कवर इस्लाम, देन यू आर अ मुस्लिम। इन मुसलमानों ने इस्लाम को रीडिस्कवर नहीं किया, इसलिए वो जानते भी नहीं इस्लाम क्या चीज़ है। तो ये कोई इस्लाम नहीं है कि बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ आप मुस्लिम बन जाए, ये कोई इस्लाम नहीं है। जितने सहाबा थे वो पैदा हुए किसी और उसमें ट्रेडिशन, फिर उन्होंने इस्लाम को डिस्कवर किया, फिर उन्हें इस्लाम मिला। अगर आपको जानना हो इस बात जो मैं कह रहा हूँ कुरान में, तो आप कुरान की सातवां पारा जो है, सातवां पारा उसको पढ़िए, वैदा समय, उससे आप पाएंगे कि इस्लाम मीन्स रियलाइजेशन, इस्लाम मीन्स डिस्कवरी। सातवें पारे की जो शुरू की आयतें हैं उसको पढ़िए, उसमें आप इस बात को पालेंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मारिया। अपॉन बीइंग स्ट्रेस्ड आउट बाय अ प्रॉब्लम सिचुएशन, वन ऑफन हियर्स एडवाइस सच एज डोंट थिंक टू मच, हाउ फार इज दिस अप्रोच अ राइट वन? ये तो बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। होप सोचना चाहिए, सोचने से एनर्जी बढ़ती है, सोचने से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। थिंकिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग बुरी चीज़ है। याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग जितना भी करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा ही फायदा उसमें है। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो वो आपके लिए उल्टा है। जहर खाएँ तो मर जाएंगे और खाना खाएँ तो ज़िंदा रहेंगे, ऐसी मामला है इसका है। तो मैं थिंकिंग का और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा कायल हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो इसीलिए है,
दोनों एक दूसरे के लिए इंटेलेक्चुअल पार्टनर हैं, यानी सबसे बेस्ट हस्बैंड और वाइफ वो हैं जो दोनों एक दूसरे को अपना इंटेलेक्चुअल पार्टनर बनाएं, आपस में डिस्कशन करें, एक्सचेंज करें, यानी खाने पीने पर नहीं, किसी अच्छे अच्छे इश्यूज पे एक्सचेंज करें, तो दोनों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो सबसे अच्छे हस्बैंड वाइफ वो हैं जो दोनों एक दूसरे के लिए इंटेलेक्चुअल पार्टनर हों। This is a question, the name has not been given. What are the heart-based spirituality from which we should refrain as it gives only temporary peace? Kindly comment. मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक उन्होंने एक 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 चीज ये मान लिया है कि दिल जो है वो रिजर्वायर है सारे, यानी एक वो है खजाना है सारे, यानी नूरानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, तो उसको एक्टिवेट करो। दिल में जो भरा हुआ है, यानी जो ट्रेजर, उस ट्रेजर को एक्टिवेट करो। तो क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्या करते हैं, वो करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरह से वो उस पर उसको कहते हैं ज़र्ब, यानी उसकी बीट करते हैं, उसको उस पर जोर डालते हैं, तो वो समझते हैं कि इस तरह से उसका जो ट्रेजर है वो खुल जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसलिए कि देखिए, साइंस ये बता रही है कि आपका दिल जो है वो क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का जरिया है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो दिल में कोई अकल नहीं है, दिल में कोई माइंड नहीं है, दिल में कुछ भी नहीं है, कोई दिल में कोई ट्रेजर भी नहीं। तो ये तो साइंस ने जिस तरीके से बहुत और चीज़ों को डिसप्रूव किया है, जैसे जियोसेंट्रिक थ्योरी को डिसप्रूव किया, या ये अल्केमी को डिसप्रूव किया, और या एस्ट्रोलॉजी को डिसप्रूव किया। अब उसकी जगह आप जानते हैं कि आप हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, इसी तरीके से ये भी अब ख़त्म हो चुकी है। दिल में कुछ भी नहीं है कि आप इस तरह से करें तो दिल एक्टिवेट होगा, ये तो सब एक वो है, यानी फर्जी बात। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इट इज बाय अंजर। इज देयर एनी वर्ड्स इन द कुरान रिगार्डिंग स्ट्रेस? हाँ बिल्कुल है, वो ये है अला बेजिक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब, अला बेजिक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब। इसका ट्रांसलेशन ये है कि सुन लो कि खुदा की याद ही से दिलों को चैन आता है, सुन लो कि खुदा की याद ही से दिलों को चैन आता है। याद के माने क्या है, यानी गॉड ओरिएंटेड थिंकिंग, गॉड ओरिएंटेड थिंकिंग। तो इसमें जो हमें मिलता है वो बात के अगर तुम चाहते हो दिलों का चैन या पीस ऑफ माइंड, तो अपने अंदर गॉड ओरिएंटेड थिंकिंग पैदा करो, इससे तुम्हारे दिल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा।